गरीब दर्जी बहन के पत्तों का ड्रेस। एक गांव में शांति अपनी दो बहन और बीमार माँ के साथ रहती थी। तीनों बहनों में शांति सबसे बड़ी बेटी थी। बीमार माँ की दवाई के लिए, छोटी बहन की पढ़ाई के लिए शांति अपने घर से दर्जी का काम किया करती थी। ये क्या माँ, एक घंटे पहले दवाई खाने को कहा था, अभी तक आपने दवाई नहीं खाई? बिटिया, ये दवाई बहुत कड़वी है, गले से नीचे तक नहीं उतरती। आप भी ना, बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करती हो। चुपचाप दवाई पी लो, तभी तो जल्दी ठीक हो पाओगी ना। 2 साल से तेरे कंधे पर बोझ बन के बैठी हूँ, भगवान उठाता भी नहीं है और अच्छे से ठीक भी नहीं करता है। भगवान उठाएंगे भी नहीं, ऊपर जगह कहाँ है आपको रखने के लिए। जल्दी जल्दी दवाई पी के सो जाइए, बहुत काम है अभी हमें। तभी गांव के मुखिया का बेटा अतुल शांति को आवाज लगाता है। शांति, शांति। आ गया मुखिया का छिछोरा लड़का। शांति आते ही अतुल को कहती है, ए, हम लड़कों का कपड़ा नहीं सिलते हैं। अरे, बोलने से पहले ही समझ गई, वाह। तुम पगलेट हो का? 10 बार बोल चुके हैं कि हम लेडीज दर्जी हैं, आदमियों का कपड़ा नहीं सिलते हैं हम। वो बात हमें पता है, बस तुमसे बात करने का मन था इसलिए आ गए। शांति की दोनों बहन क्लास से घर आती है, क्रांति और मानसी। अरे, ये तेरी मौसी का घर नहीं है, जब चाहे मुंह उठा के बात करने आ गया, चल भाग यहाँ से। अब भी जाके मुखिया जी से कह देंगे कि आपका बेटा दीदी को तंग कर रहा है। अरे हमारी बात है, पिताजी को काहे बीच में ला रही हो, जा रहे हैं। तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गई? आज टीचर का बर्थडे था, इसीलिए जल्दी छोड़ दिए। दीदी, टीचर हमें बहुत मानती हैं। आप उनके लिए एक सलवार सूट सिल दोगी? हम उन्हें गिफ्ट देना चाहते हैं। हाँ, सिल देंगे। गांव की सारी औरतें शांति से ही कपड़े सिलवाती थी, चाहे कुछ भी सिलवाना हो शांति सब कुछ सिल देती थी, वो भी एकदम सेम टू सेम। एक औरत अपनी बेटी के साथ कपड़े सिलवाने आती है। शांति, तुमने बहुत बढ़िया सलवार सूट सिला था, शादी में पहन के गए थे, सब लोग हमें ही देखे जा रहे थे, हमारी बेटी भी तुमसे ही सिलवाना चाहती है। वो कहते हैं ना, वो 2 पीस 3 पीस। ओहो मम्मी, 1 पीस कहते हैं। दीदी ये फोटो देखिए, हम वीडियोस बनाते हैं, इस बार सोचे कि कुछ अच्छा पहन के वीडियो बनाएंगे जिससे हमारा वीडियो चल पड़े। हाँ हाँ, सिल देंगे, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है इसमें। पक्का ना दीदी, शहर के बड़े बड़े दर्जी भी मना कर दिए हैं ये 1 पीस सिलने के लिए। अब चल, शांति ने कह दिया ना, मतलब हो जाएगा। हाँ पक्का सिल देंगे। शांति सुबह सुबह कपड़े सिलना शुरू कर देती है और देर रात तक कपड़े सिलती रहती है ताकि वो अगले दिन और सिलाई का काम ले सके। शांति पैसे गिनते हुए, 9,000, 10,000 और 2,000 मिला के 12,000, 1 साल से एक एक पैसे जोड़ रहे हैं कि खुद का दुकान खोल सके। अब जाके पूरे पैसे हो गए, कल ही जाके दुकान का किराया दे आते हैं। उसकी दोनों बहनें आती हैं। दीदी, अकेले अकेले कहाँ बड़बड़ा रही हो, हमारी टीचर का सलवार सूट सिल दिए हो का? हाँ हो गया, और ये देखो हमारे दुकान खोलने के लिए पैसे भी जमा हो गए हैं। अरे वाह दीदी, हम भी चलेंगे दुकान देखने। अगली सुबह शांति और क्रांति खुद के दर्जी का दुकान खोलने के लिए दुकान भाड़े पे लेने जाती है। आइए आइए शांति जी, देखिए ये दुकान बहुत बढ़िया है। हाँ दीदी, बहुत बढ़िया है, यहाँ से तो बहुत लोग गुजरते हैं, आपका काम बढ़ने वाला है। हाँ बिटिया सही तो बोल रही है, शांति जी आप कहें तो शांति टेलर के नाम से बोर्ड भी लगवा दें। सच्ची में आप लगवा सकते हैं? हाँ, हमारी जान पहचान जो है, शाम तक आपके घर बोर्ड आ भी जाएगा। पीछे से मानसी चलते हुए आती है। दीदी दीदी, क्या हुआ, इतना चिल्ला काहे रही हो? माँ की फिर से खून की उल्टियाँ चालू हो गई, अभी अस्पताल में भर्ती किए हैं, जल्दी चलो।
तीनों बहन हॉस्पिटल जाती हैं और डॉक्टर से बात करती हैं। अम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना डॉक्टर साहब? हाँ तो ठीक है, पर उनकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप उन्हें टाइम पर दवाइयाँ नहीं खिला रही हैं, इसीलिए बीमारी बढ़ गई है। नहीं डॉक्टर साहब, हर दिन अम्मा के सामने दवाई रख देते हैं। पर वो दवाई लेते थे, यही तो बात है शांति जी। अम्मा की दवाई आधी भी खत्म नहीं हुई, बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। 10-15 दिन इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। कितना खर्चा होगा? यही कुछ 10-15 हजार। शांति जिस पैसों से दुकान का भाड़ा भरने वाली थी, वो पैसे माँ की बीमारी में लगा देती है। और अब घर आकर शांति, दुकान का सपना सपना ही रह जाएगा। जब पैसे जमा होते हैं तभी कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। अब मुझे दुकान नहीं चाहिए। सुनो दीदी, टीचर आई है आपसे मिलने। तो चल मैं आती हूँ, मानसी की टीचर कहती है। मानसी ने कहा ये सलवार सूट आपने सिला है? जी। इतना परफेक्ट कैसे? अरे अच्छे ब्रांडेड कपड़े भी इतनी अच्छी फिटिंग नहीं दे पाते जितनी अच्छी इसकी फिटिंग है। आपकी फोटो देख के मुझे सिलाई बहुत पसंद है ना? बहुत अच्छी बात है। मानसी ने बताया कि आपकी माताजी की हालत कुछ ठीक नहीं है। आप खुद का दुकान खोलना चाहती थी पर वो पैसे आपकी माँ की बीमारी में लग गए। हाँ, शहर में ड्रेस कंपटीशन होने वाला है, मैंने आपका नाम भी लिखवा दिया है। अगर आप जीतती हैं तो 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा जिससे आप खुद की दुकान खरीद सकती हैं और माँ की बीमारी भी ठीक करवा सकती हैं। पर मैडम जी, मुझसे ये कैसे हो पाएगा? आपके हाथ में जादू है, इस पूरी दुनिया को दिखा दो। मैं चलती हूँ। शांति और मानसी पूरी रात यही सोचती रहती हैं कि कंपटीशन का ड्रेस किस कपड़े से सिए। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है महंगे कपड़े लेने के लिए जिससे हम ड्रेस सी सके। ऐसा नहीं होता दीदी, ये देखो फोटोज, न्यूज़पेपर से ड्रेस बनाई और जीत भी गई। हम किससे ड्रेस बनाए, इस चटाई से या इस गोनी से? बाहर जो पेड़ का पत्ता है ना, उसी से ड्रेस बनाओ। हम हर साइज का पत्ता ढूंढ के ले आते हैं। ठीक है, पर पत्ते वाला ड्रेस पहनेगी भी तू ही। पूरी रात तीनों बहन मिलकर पत्ते का ड्रेस बनाती हैं और अगले दिन मानसी वो पत्तों का ड्रेस पहनकर कंपटीशन में चली जाती है। अरे ये क्या ड्रेस है? अरे बाप रे, एक बात पूछे, अगर तुम्हारे पैर पे पानी डालेंगे तो पत्ते बड़े हो जाएंगे। तभी क्रांति कहती है, अगर तुम दोनों के मुंह पे ताला मारे तो तुम दोनों की हंसी रुक जाएगी। सारे लोग उन्हीं तीनों बहनों को देख रहे थे, सब लोग उन्हें देख देख कर हंस रहे थे। तभी जज वहाँ पर आए। वाह क्या काम किया है, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई पत्तों से इतनी बेहतरीन ड्रेस बना सकता है। और वो कंपटीशन शांति जीत जाती है। उसे 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर मिलते हैं और उसके पत्तों का ड्रेस न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर आता है। जीते हुए इनाम के पैसों से वो एक खुद की बड़ी सी दुकान खरीद लेती है और अपनी माँ की बीमारी का ऑपरेशन भी करवा देती है। हमने तो कभी सोचा तक नहीं था कि हम इतने बड़े दुकान की मालकिन बनेंगे। अब बन गई ना, तो इसमें सोचना क्या है? तभी एक बड़ी सी गाड़ी उनके दुकान के आगे आकर रुकती है और गाड़ी में से एक बड़ी मॉडल निकलती है। शांति आप ही हो? हाँ जी, कहिए। मैंने आपकी ड्रेस देखी, मुझे वो बहुत पसंद आई। क्या आप मेरे लिए ड्रेस डिजाइन करोगी? मैं आपको हर महीने 3 लाख रुपए दूंगी। क्या हर महीने 3 लाख? क्या कम है? चलो ठीक है, 5 लाख, ये तो ठीक है ना? वो मॉडल 5 लाख का चेक शांति के हाथ में देकर चली जाती है। दीदी कहीं ये सपना तो नहीं है? ये तो हमें भी नहीं पता छोटी। शांति के हुनर ने उसकी परिस्थिति बदल दी। शांति ने हमेशा पैसे की कमी देखी पर आज उसके पत्तों की ड्रेस ने उसे अमीर बना दिया। लालची बोबा टी वाला। गांव के चार रास्ते पे
अजय शरबत बेचा करता था। लोग उसकी शरबत बहुत पसंद करते थे, मानो जैसे अजय के हाथों में जादू हो। अगर अजय का ठेला एक दिन भी बंद रहता तो उसके ग्राहक परेशान हो जाते। अरे अजय भैया, कल दुकान क्यों नहीं खोले? वो हमारी माँ की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, उन्हें डॉक्टर के पास ले गया था। भाई बोल दिया करो, नहीं तो हमारा भी तबीयत खराब हो जाएगा। क्यों? अरे आपका शरबत जो नहीं मिला, पूरा दिन धूप में काम कर करके थक जाता हूँ। आपके हाथ का एक ग्लास शरबत मिल जाता है तो पूरी थकान ही मिट जाती है। ठीक है, अगली बार बता दूंगा, दुकान नहीं खोलूंगा तो। हाँ ये हुई ना बात, उस दिन मैं भी काम पे नहीं जाऊंगा। अजय दिल का बहुत अच्छा इंसान है, सबसे प्यार से बात करता है। अजय के बचपन का एक दोस्त है रघु। इतनी धूप, बाप रे बाप। अजय एक काला खट्टा दे। उठ गए महाराज, लगता है आपकी सुबह हो गई। अरे यार सुबह सुबह ताना मत मार, एक काला खट्टा देना जल्दी। हाँ देता हूँ। वैसे बता दूं, 12:40 हो रहे हैं, ये सुबह का वक्त नहीं दोपहर का वक्त है। हाँ पता है, हर दिन यही सोचता हूँ, अगले दिन सुबह 6 उठूंगा, पर उठने का मन ही नहीं करता यार। तो कल से मैं उठाने आ जाता हूँ। तू पक्का उठाएगा ना? पर तू सुबह 6 उठ के करेगा क्या? काम तो तू करता है नहीं। हाँ यार ये बात कोई मेरी माँ को जाके कहे, इतनी सुबह उठ के करूँ क्या? हर दिन उनके ताने सुन सुन के परेशान हो गया हूँ। तभी एक छोटा बच्चा वहाँ आता है। बच्चे के कपड़े फटे हुए थे। भैया भैया बहुत गर्मी है और धूप भी है, एक ग्लास शरबत पिला दो। अच्छा पैसे हैं तेरे पास? वो बच्चा अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ खोलता है, उसके हाथ में 2 थे। ये लो, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। अबे पागल, ये बस 2 हैं, और पैसे लगते हैं, जा और पैसे ले क्या। मेरे पास तो इतने ही है, दे दो ना। भाग यहाँ से, भिखारी कहीं का भीख मांगने आ जाता है। रघु की ऐसी बात सुनकर बच्चा रोने लगा और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अजय कहता है, बेटा रुको। बोलो कौन सा शरबत दूं? लाल वाला। अजय ने उस बच्चे को 2 शरबत दिए। मुझे 1 ही शरबत चाहिए। 1 तुम्हारे लिए और 1 तुम्हारी माँ के लिए, जो वहाँ धूप में खड़ी हैं। ठीक है, ये लो पैसे। ये पैसे भी तुम ही रख लो। बच्चा हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तू पागल है, क्या जरूरत थी उस भिखारी को फ्री में शरबत देने की? अरे इन लोगों को जानता हूँ मैं, हर दिन का यही नाटक रहता है। छोड़ना, 2 शरबत देने से मेरा क्या नुकसान हो जाएगा? वैसे भी 2 शरबत से ज्यादा महंगी उस बच्चे की हंसी है। तो कल से पैसा मत लेना, जो भी शरबत पीने आए उसे पैसे की जगह हंसने कह देना है? पैसों से ज्यादा उसकी हंसी में। तभी पीछे से रघु की माँ राखी देवी छड़ी लेकर उसे मारने लगती है। नालायक कमीने, पूरी रात जागता रहता है और दिन में सुअर की तरह सोता रहता है, घोड़े जैसा हो गया है। अरे कुछ काम धंधा कर ले, कब तक माँ की कमाई खाएगा? लगती है माँ तू यहाँ क्यों आई? यही कहने आई थी, और काला खट्टा पी रहा है। अरे इसके पैसे भी देता है या नहीं? हर वक्त शरबत पीने आ जाता है, जैसे कि ये तेरे बाप का दुकान हो। नहीं नहीं काकी, पैसे दिए हैं रघु ने। तू हंस के क्यों बोल रहा है? नहीं बेटा, मैं यकीन से कह सकती हूँ इसने पैसे नहीं दिए होंगे। ठीक है दे दूंगा, तू घर जा मैं आता हूँ। अरे पहले कुछ काम धंधा ढूंढ, तभी घर में घुसने दूंगी। राखी देवी वहाँ से चली जाती है। तूने बोबा टी के बारे में सुना है? नहीं वो क्या होता है? हाँ? बहुत मशहूर शरबत है, कोरियन है, पर अभी भी हमारे गाँव में नहीं आया है। तू चाहे तो बोबा टी बेचना शुरू कर दे, बहुत चलेगा। हाँ पर सामान कहाँ मिलता है, मुझे तो कुछ नहीं पता। वो सब मैं देख लूंगा, तू बोल तुझे करना है क्या? नेकी और पूछ करूंगा ना, जरूर करूंगा।
उसी शाम अजय शरबत की दुकान बंद करके रघु को बोबा टी के दुकान पर ले गया, जहां बोबा टी बनाने की सामग्री मिलती थी। सारा सामान लेकर रघु अपने घर जाता है और अगली सुबह गांव के चार रास्ते के दूसरी साइड रघु अपनी बोबा टी का स्टॉल खोल लेता है। एक ग्राहक रघु के पास आता है। ई का लिखा है बोबो बाबा। ओह चाचा, बोबा टी है ये। अरे बाप रे, बोबा टी का होता है? एक बार पी के देखो, हर दिन यही पियोगे। कितने का है? ज्यादा नहीं, 50 रुपये में 10 रुपये कम, बस 40 का है। 40 रुपये कम होता है? 40 रुपये में अजय के 4 ग्लास शरबत पी लेंगे हम। चाचा ये बोलकर जाने लगे। ओ चाचा सुनो तो, एक बार पी लो। 2 घंटे से रघु का कोई धंधा नहीं हुआ था और दूसरी तरफ अजय की शरबत धड़ाधड़ बिकती जा रही थी। ये साले अजय की कमाई कितनी होगी हर दिन? 200 से 300 लोग तो आते ही हैं। तभी एक स्कूल का बच्चा आता है बोबा टी पीने के लिए। भैया बोबा टी दे दो। 40 रुपये का है। ये लो पैसे। अभी देता हूँ। रघु ने बोबा टी बनाकर उस बच्चे को दे दी। उस बच्चे को बोबा टी बहुत अच्छी लगी। अरे वाह भैया, मजा आ गया। कल से मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ लेकर आऊंगा। ठीक है बेटा। पूरे दिन में रघु की बस 40 रुपए की ही कमाई हुई। अगले दिन रघु फिर से बोबा टी का स्टॉल खोलता है। कुछ समय बाद 5-6 स्कूल के बच्चे आते हैं और बोबा टी मांगते हैं। वाह क्या टी है! मैंने कहा था ना, अंकल बहुत अच्छा बोबा टी बनाते हैं। बच्चों की भीड़ देखकर और भी बहुत सारे लोग बोबा टी पीने के लिए आते हैं। हमारे गांव में इतना अच्छा चाय मिलता है, हमें तो पता ही नहीं था। गांव वालों को बोबा टी का स्वाद भा गया। देखते ही देखते हर दिन लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई बोबा टी की तारीफ ही कर रहा था। तब अजय आया। मुझे भी एक बोबा टी पिला दे भाई। अरे अजय तू, रुक देता हूँ। अजय ने बोबा टी पिया। तभी उसकी शरबत की दुकान पे कुछ ग्राहक आ गए और अजय जाने लगा। तभी रघु अजय को आवाज देता है। भाई पैसे तो दे दे बोबा टी के। ये बात अजय के मन पर लग गई। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पैसे देकर चला गया। हर दिन मेरी दुकान पे आके शरबत पीता, पर मैंने कभी उससे पैसे नहीं मांगे। आज मैंने एक बोबा टी क्या पी ली, पैसे मांग रहा है। अब कभी नहीं जाऊंगा उसकी दुकान पे। तभी अजय की शरबत पीने उमंग जी आए। उमंग जी ही अजय को बोबा टी का सामान सप्लाई करते थे। अजय तुझे तो पता ही होगा ना, आजकल रघु सस्ती वाली बोबा टी का सामान ले रहा है। ये सस्ती वाली चीजें बूढ़े और बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। नहीं मुझे तो आपसे पता चला है, मैं आज ही उससे बात करता हूँ। ठीक है, मुझे एक काला खट्टा पिला दे। शाम को जब रघु अपने बोबा टी की दुकान को बंद कर रहा था। मैंने सुना है तू सस्ती चीजें इस्तेमाल करके बोबा टी बना रहा है। हाँ तो तू पागल है क्या? बच्चों और बूढ़ों के लिए वो सही नहीं है। चिल्ला मत, मेरी मर्जी, मुझे ज्यादा पैसे कमाने। महंगी चीज इस्तेमाल करूं या सस्ती, तुझे क्या? दोस्त है बाप नहीं जो हर समय रोकेगा। ठीक है, तुझे जो करना है कर, पर एक दिन तुझे ये लालच ही बर्बाद करेगा। रघु लालच में अंधा हो चुका था। उसे अजय का समझाना भी खटक रहा था। और अगले दिन से ही स्कूल के बच्चों का पेट दुखने लगा। बोबा टी की वजह से कुछ बच्चे तो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे। उनकी हालत इतनी गंभीर थी। लगता है बच्चों ने कुछ हानिकारक चीज खाई या पी है। बेटा तुम रोज बाहर का क्या खाते हो? वो गांव के चार रास्ते पे बोबा टी मिलती है ना, वही पीता हूँ। डॉक्टर ने कॉल करके फूड ऑफिसर के पास कंप्लेंट दर्ज की और अगले दिन रघु के बोबा टी की दुकान पर छापा पड़ता है। साहब क्या हुआ? मिलावटी चीजें इस्तेमाल करके बोबा टी बनाता है, तुझे तो 2 महीने जेल और 50,000 जुर्माने का दंड होगा। मुझे माफ कर दो साहब। पुलिस ने रघु को गिरफ्तार कर लिया और ये सब रघु के लालच की वजह से हुआ। रघु का लालच रघु को ले डूबा।